हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन नीट सीबीएसई पीएमटी 2007 में ये क्वेश्चन आया था। पढ़ते हैं और मिलकर करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सीलरेशन एफ एट टाइम टी इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, वेयर एफ नॉट एंड टी आर कॉन्स्टेंट्स। ये ध्यान रखना, एफ नॉट और कैपिटल टी कॉन्स्टेंट टर्म है। द पार्टिकल एट टी रावर जीरो एट जीरो वेलोसिटी। देखो ये नोट कर लेते हैं पहले। ये जो पार्टिकल है, जब टाइम जीरो है तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? जीरो है, ठीक। और यहाँ एफ एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। एट टाइम टी, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। द पार्टिकल एट टी रावर जीरो है जीरो वेलोसिटी, तो मैंने नोट कर लिया ये। इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी रावत जीरो, तो टी रावत जीरो एंड इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टाइम मान लो टी, वैन एफ बराबर जीरो, यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो है, यहाँ पर एफ की वैल्यू जीरो है, ये क्वेश्चन गिवेन है, ठीक। द पार्टिकल विद द वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी पूछ रहा है ये, वी एक्स कितनी है, ये है। तो देखो इस वाले टाइम पर, जिस जिस इंस्टेंट टाइम पर एक्सीलरेशन जीरो है, क्वेश्चन में कह रहा ना इन द टाइम इंटरवल बिटवीन टी रावत जीरो, तो टी रावत जीरो और बिटवीन एक ऐसे इंस्टेंट टाइम पर जहां पर एक्सीलरेशन जीरो हुआ है, उनके बिटवीन वेलोसिटी पूछ रहा है वी एक्स इस जगह पर, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले ये टी निकाले, ये टी कितना है, तो ये एफ जब जीरो है तभी तो टी जीरो, टी निकालना है तो एफ की वैल्यू जीरो पुट कर दो। एफ बराबर एफ जीरो वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। इफ एफ अगर जीरो, देन तो जीरो इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से एफ नॉट तो जीरो नहीं होगा, वन अपॉन टी माइनस के टी बराबर जीरो, तो यहाँ से टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू वन, और आगे बढ़ाएं तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। एक बात समझ में आई कि ये जो टी है वो आपका कैपिटल टी है, ठीक। अब क्या करना है? कुछ नहीं, वेलोसिटी पूछ रहा है तो एक्सीलरेशन गिवेन है। नाउ एफ बराबर कितना, एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, इसकी जगह पे लिख दो डी वी ओवर डी टी, क्योंकि एक्सीलरेशन है यहाँ पे एफ। एफ क्या है? एक्सीलरेशन, और इसका फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस का, डी एफ ओवर और डी वी ओवर डी टी। इसके लिए पुट कर ली, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एफ नॉट माइनस एफ नॉट टी ओवर कैपिटल टी, डी टी का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो डी वी इज इक्वल टू एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट टी ओवर कैपिटल टी डी टी। इस डी टी का मल्टीप्लाई कर लिया इधर, अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन डी वी, इंटीग्रेशन एफ नॉट डी टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी टी डी टी इंटीग्रेशन। ये टी के रेस्पेक्ट में हो रहा था, लिमिट टी की लिखेंगे, तो यहाँ पर टाइम लिमिट कितनी है? इनिशियल टी रावत जीरो है और यहाँ कैपिटल टी है, इसीलिए लिमिट आएगी जीरो से कैपिटल टी, और यहाँ पर भी आएगा जीरो से कैपिटल टी टाइम के रेस्पेक्ट में। और वेलोसिटी की लिमिट क्या है? जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी? देखो कितनी है, टी रावत जीरो पर वी रावत जीरो, और जब टाइम कैपिटल टी हो गया तो वेलोसिटी हो गई वी एक्स। तो यहाँ पे वी एक्स, अब इंटीग्रेशन करते हैं तो वी डी वी का इंटीग्रेशन वी लिमिट जीरो टू वी एक्स, एफ नॉट बाहर आ गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट जीरो से टी माइनस एफ नॉट कैपिटल टी बाहर आ गया, टी का इंटीग्रेशन करें तो टी स्क्वेयर बाई टू लिमिट जीरो टू टी। यहाँ इंटीग्रेशन किया है टी की पावर एन डी टी बराबर टी की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन और एन डज नॉट इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ टी की पावर वन है डी टी ऐसे, तो टी स्क्वेयर बाई टू, ये आपका मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, ये हो गया। इसकी लिमिट पुट कर ली वी एक्स माइनस जीरो, यहाँ पर भी लिमिट पुट कर ली एफ नॉट टी माइनस जीरो,
यहाँ पे भी लिमिट पुट कर ली, एफ नॉट कैपिटल टी और टू टू बाहर आ गया, और टी स्क्वेयर माइनस जीरो से और सॉल्व किया तो ये वी एक्स हो गया, ये एफ नॉट टी, और ये वाला देखें तो माइनस का एफ नॉट इस टी से, ये टी कैंसिल, ठीक है, तो ये एफ नॉट टी बाई टू, और इसमें से इसे घटा दूं तो आगे एफ नॉट टी कॉमन ले लो, एक माइनस एक बटे दो, इसीलिए ये आ गया हमारा वी एक्स बराबर एक बटे दो एफ नॉट टी, ठीक, तो इसीलिए चॉइस हो गई आपकी एक बटे दो एफ नॉट टी, सी चॉइस हो गई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।